मौजूद ने वीएम सिंह उन्होंने नाल गल करते हैं। वीएम सिंह जी, अज तुसीं कहता कि अज मैं अंदोलन तो पिछे हट रहा, वजह तुहानू पता ही हैगा, पहले भी बुरारी तो जिहड़ा हैगा असी क्या से संजत नहीं बुलाया हैगा, कोई औचित नहीं हैगा। उहदे बाद मुंडे इत्थे बैठ गए, असी आउटसाइड सपोर्ट दे रहे सीगे, पर कह रहे साडी गारंटी दे मिनिमम गारंटी दे बिल दी गल होवे, किसानां दी गारंटी दी गल होवे, पर इह जद नहीं होया उहदे बाद साडा सीगा कि नहीं ठीक है, उत्थे लॉक जाम हो गया, असी कुछ ना कुछ करिए, असी कुछ ना कुछ करिए। पर उहदे अंदर जद इह रोड मैप आया परसों, ते सब ने मिल के कहा असी पूरा ठीक ठाक करना है इत्थे, कि गवर्नमेंट नूं लगे कि नहीं गाजीपुर जिहड़ा हैगा ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਏਗਾ? 120 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮੌਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗੀ। देखो ये तो उन्होंने देखना जिहड़े अगे वध जान अंदोलन को कमजोर करन लई, जिहड़ा रूट दे हिसाब नाल चले, गवर्नमेंट दे हिसाब नाल चले, सिंगू बॉर्डर दी लिस्ट दे हिसाब नाल चले, वो कमजोर कर रहा हैगा या जिहड़े तोड़ के जा रहे ने वो कमजोर कर रहे ने। वीएम सिंह साहब जो कि कह रहे हैं कि हुण विश्वास आपस नहीं रहा, इसे दे चल रहा मैं इस अंदोलन तो अपने आप नूं वापस लै रहा, मैं पिछे हट रहा। लेकिन सब तो वड्डा सवाल है कि जो इन्ने लोगों की शहादत हुई आखिर उसका की होएगा? फिलहाल ये अंदोलन इतने क्योंकि इन्हों का विरोध भी इतने किया जा रहा है, लोग इन्हों का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल उत्थे खड़ा है कि आखिर हुण किसानी अंदोलन का अगला रुख की होएगा? कैमरामैन विक्रम डोगरा के नाल हरप्रीत सिंह, PTC न्यूज़, गाजीपुर।